हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज 15th अप्रैल 2021। योर चैप्टर वन लार्ज नंबर्स वाज गोइंग ऑन। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास आई हैव फिनिश्ड योर एक्सरसाइज 3rd ऑफ चैप्टर वन, एंड देन आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू वन टॉपिक दैट वाज रिलेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके, so today before starting the exercise 4, I want to explain one example on the basis of the Indian place value system and international place value system. Okay, so look here. Okay, that example you can also see, it has been given in your page number 7 of your book. Okay, so write digits here, we will read it here. 34590, 34590, 234, 234 in figures, 234 in figures, and words in the two systems, and words in the two system means that is based on the Indian place value systems, and that will be also based on the international place value system. Okay, so pehle hum isko place karte hain Indian place value system ke according. So dhyan se dekhiyega, hum pehle aapko yahan shuru kar rahe hain Indian place value system ke according. Indian place value system. Okay, so hum डिजिट को ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे फर्स्टली, देन डिजिट हैज बीन गिवन हियर 34590234. सो स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट दैट, हमने आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम समझाया अच्छे से, फिर से सुनिएगा। पहले क्या होता है, वंस पीरियड के कितने पार्ट है, थ्री पार्ट हैज बीन गिवन इन द वंस पीरियड। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड वंस, टेंस, हंड्रेड। सो हम क्या करेंगे, थ्री पार्ट्स के बाद हम एक कॉमा लगाएंगे वंस साइड से, मींस इन योर फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी फ्रॉम योर राइट हैंड साइड। देन आफ्टर दैट थाउजेंड्स में, थाउजेंड्स के टू पार्ट होते हैं, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड। सो आप यहाँ एक कॉमा लगाएंगे। थाउजेंड्स के बाद हमारा पार्ट आता है लैक का, दैट विल बी ऑल्सो बेस्ड ऑन द लैक एंड टेन लैक। सो टू कॉमा, टू डिजिट के बाद आप कॉमा यहाँ लगाएंगे। देन करोड़, इट मीन्स अगर आप इसे पढ़ना चाहेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 3,45,90,234. It means on the basis of that type of thing, you can also write it here in words, 3,45,45,00,000. आपने देखा 45 किस में आ रहा है, लैक वाले कॉलम में आ रहा है। सो 3,45,90,000. Then after that 234. So on the basis of that type of the way, we can easily write any number in the Indian place value system. हम यहाँ numerically हमने आपको ये show कर दिया, and in words it has been also I have written here. Okay? Now we will write it in the form of the international place value system. International place value system. So students, in the last class I have already told you about that. Starting में जो हमारे 5 digits होंगे वहां तक हमारे कोई changes नहीं होंगे, it will be follow as like your Indian place value system. So first start करते हैं, digits लिखे 3,45,90,234. Okay. डिजिट हमने वही लिखे हैं। नाउ वी विल पुट द कॉमा ऑल्सो हियर। रिमेंबर स्टूडेंट्स, हम जब भी कॉमा का यूज करेंगे, चाहे वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हो, जितने पीरियड हमने डिवाइड किए उसी पीरियड के अकॉर्डिंग हम करेंगे। इंडियन में आपने देखा वंस पीरियड में कितने थे, थ्री पार्ट्स थे। सो हमने थ्री पार्ट्स, योर राइट हैंड साइड से हमने यहाँ टिक लगाया, राइट हैंड साइड से टिक लगाया, कॉमा लगाया, नॉट टिक, दैट हैज बीन रिलेट्स ऑन द राइट हैंड साइड, थ्री डिजिट। देन थाउजेंड के कितने पार्ट थे, आपके राइट हैंड साइड से टू पार्ट थे, थाउजेंड टेन थाउजेंड, देन कॉमा लगाया। देन लैख के कितने पार्ट थे, टू पार्ट थे, लैख एंड टेन लैख। सो लैख फाइव था एंड टेन लैख फोर था, इसके बाद हमने यहाँ कॉमा लगा करके देन ये करोड़ का पार्ट हो गया।
सेम पैटर्न यू विल फॉलो हियर बट दैट विल बी फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम. ओके, इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम यू नो अबाउट दैट फर्स्ट पीरियड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द वंस पीरियड एंड वंस हैज रिलेट फ्रॉम द थ्री पार्ट्स वंस टेन हंड्रेड. सो हम पहला फॉर्म आएंगे आपके राइट हैंड साइड से थ्री डिजिट के बाद. देन इन द थाउजेंड्स पीरियड देर आर सम चेंजेस. In the Indian place value system, there are the two parts, 1000 and 10,000. But in the international place value system, there are the three parts, 1000, 10,000 and 100,000. It means, here you will put the comma on the basis of the three digits. Because, international place value system, we have divided the period in 1000 period. So, what do you do? After this comma, you will put three digits and then you will put the comma. Okay? Then after that, millions period has been also divided in two parts. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द मिलियंस एंड अनदर इज बेस्ड ऑन द 10 मिलियंस. सो हमारा कॉमा यहाँ पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो अब आप इसे अगर वर्ड्स में पढ़ना चाहेंगे सो क्या पढ़ेंगे देखिएगा 34 मिलियन देन आफ्टर दैट 590,000. थ्री पार्ट्स किससे रिलेट करते हैं आपके दैट थ्री पार्ट्स हैज बीन रिलेट फ्रॉम द थाउजेंड्स पीरियड एज पर योर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. सो हियर वी विल राइट अबाउट दैट 590,000. ओके, देन लास्ट थ्री पार्ट्स इज बेस्ड ऑन द 234. इट इज एज लाइक योर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. सो लास्ट के पार्ट हम क्या लिखेंगे 234. Okay, so we will follow that type of the method to write the numbers in Indian place value system and international place value system. I think students now it is clear how will you write it. Okay, if you have any doubt students then you can also ask with me. Now students we will start exercise 4. अब हम एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे. ओके, दिस इज योर एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन गिवन राइट दीज नंबर्स इन फिगर्स एंड वर्ड्स इन द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स. ओके, सो स्टूडेंट्स इन योर क्वेश्चन नंबर 1 हैज थ्री पार्ट्स है फोर पार्ट्स ए बी सी डी. यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट्स हैं फोर पार्ट्स हैं. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ए पार्ट. यू कैन सी इट हियर इट हैज बीन गिवन द नंबर्स हैज बीन गिवन हियर 3, 6, 9, 5, 1, 2. आपको यह नंबर दे रहा है न्यूमेरिक में. यू विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल एंड इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसे पुट करते हैं. सो इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम सबसे पहले हमें क्या करना होगा जो डिजिट जो नंबर्स दे रहे हैं उसे नोट डाउन करें. नंबर हैज बीन गिवन हियर 3, 6, 9, 5, 1, 2. ओके, नाउ यू नो अबाउट दैट स्टूडेंट्स इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ योर पीरियड. इट मीन्स वंस पीरियड के कितने पार्ट्स थ्री पार्ट्स. वन पार्ट फर्स्ट पार्ट इज वंस देन अनदर टेंस देन अनदर हंड्रेड. सो इट मीन्स आप क्या करेंगे आप कॉमा कब लगाएंगे वंस टेंस हंड्रेड के बाद. देन आफ्टर दैट इट हैज बीन गिवन थाउजेंड्स पार्ट. थाउजेंड पार्ट में क्या है हमारा थाउजेंड है और टेन थाउजेंड है. सो थाउजेंड पार्ट क्या होगा नाइन एंड टेन थाउजेंड क्या होगा सिक्स. इट मीन्स यहाँ कॉमा लगाएंगे देन थाउजेंड पार्ट के बाद क्या होता है लैक. लैक में आपको यह सिंगल पार्ट दे रहा है सो ये क्या कहलाएगा आपका 3,69,512. इट मीन्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम यू कैन कॉल इट यू कैन रीड इट 3,69,512. सो हियर वी विल राइट अबाउट इट इन वर्ड्स 3,69,512. Okay? So we can write it on the basis of your Indian place value system. In the question, it has been also asked about you write it also on the basis of your international place value system.
सो आइए आते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम इसे कैसे शो करेंगे. हियर यू विल पुट द हेडिंग इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम सो आप क्या करेंगे, पहले डिजिट्स जो दी नंबर जो दी आप उसे लिख लेंगे 369512. ओके सो नाउ स्टूडेंट्स यू नो अबाउट दैट द पीरियड सिस्टम ऑफ योर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम स्टार्टिंग के थ्री पार्ट्स एज लाइक योर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग है, यानी वंस पीरियड में थ्री पार्ट्स है, वंस, टेंस, हंड्रेड. तो यहाँ पर आप प्रूव करेंगे. देन थाउजेंड्स के कितने पार्ट है, थ्री पार्ट है. सो क्या है ये आपका थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड. सो इट मीन्स आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही फॉर्म आप पुट करना है. सो इन वर्ड्स आप वर्ड्स में से क्या लिखेंगे, ये क्या है आपका 369 कॉमा से हो रहा है. सो क्या हो जाएगा ये आपका 369,000. ओके क्या लिखेंगे क्या हम 369,000 देन आफ्टर दैट 512. वंस पीरियड का जो नंबर है वो आपके इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम दोनों में सेम रहेगा. सो 512. क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई थिंक स्टूडेंट्स नाउ इट इज क्लियर how will you write about any type of the number on the basis of your Indian place value system and international place value system. Clear students? Now students see the D part of this question. In the D part you will also write it as like your A part. आप इसे भी क्या करेंगे Indian place value system and international place value system की तरह put करेंगे. Okay? So look here. First इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. सो यू कैन सी इट हियर नंबर हैज बीन गिवन 600320051. ओके 600320051. सो हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसमें हम कॉमा पुट करेंगे. ओके सो वंस, टेंस, हंड्रेड यानी आप थ्री डिजिट के बाद आप राइट हैंड साइड से पुट करेंगे कॉमा. देन आफ्टर दैट थाउजेंड, टेन थाउजेंड, देन लैख, टेन लैख, देन आफ्टर दैट सिक्स क्या हो गया करोड़. इट मीन्स 6,32,051 इन वर्ड्स यू विल राइट अबाउट इट ऑल्सो. ओके 6,32,051. सो दैट इज बेस्ड ऑन योर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. हमने इसको किस बेस पर रखा, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग रखा. नाउ वी विल पुट इट हियर ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. सो यहां पे लिखेंगे क्या, इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. सो इंटरनेशनल भी आप क्या पुट करेंगे एज लाइक सेम 600320051. ओके सो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट इट. वंस पीरियड हैज थ्री पार्ट्स, वंस, टेंस, हंड्रेड, देन थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड, देन मिलियन एंड 10 million. सो इट मीन्स इन वर्ड्स यू विल रीड इट एज लाइक दिस 60,32,051. सो यहां आप लिखेंगे वर्ड्स में 60,32,051. Okay, so on the basis of that type of the way, we can easily write it in the Indian place value system and international place value system. Clear, students?
So now students see the question number 2. Question number 2 has been given here, census. And bracket में क्या दिया है, counting of population. Then bracket 1, in India was done in 2011. The populations of some states of India in 2011 were as follows. Write the population numbers in words. It means आपको कुछ स्टेट की population दे रहा है जो इसका काउंटिंग कब हुई थी, अब पहले 2011 में, एंड कुछ स्टेट्स की है ये पॉपुलेशन इंडिया में, आपको इसे क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है. देयर आर द फोर पार्ट्स ए बी सी डी, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द ए पार्ट. सो इन ए पार्ट इट हैज बीन गिवन वेस्ट बंगाल, एंड दीज आर द नंबर्स हैज बीन गिवन 9127611 5. सो स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा आप इसे देख सकते हैं, कॉमा के अकॉर्डिंग आप इसे देख करके इजी वे में आप ये बता सकते हैं कि ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग. आई थिंक स्टूडेंट सबका आंसर सेम होगा कि दैट इज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, बिकॉज आप देख सकते हैं वन स्पीड तो चलिए कॉमन रहता है इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, लेकिन 100 पीरियड में जो आपका होता है, 1000 पीरियड जो होता है, 1100 के बाद आपका 1000 पीरियड जो होता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, उसके दो पार्ट है 1000 and 10000, वाइल इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम इट हैज 3 पार्ट्स, दैट इज 1000 then 10000 then 100000. सो यहाँ 3 पार्ट्स के बाद कॉमा लग रहा है, सो इट मीन्स हियर वी विल फॉलो द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. देन आफ्टर दैट 1 and 9 दिया है आपको, देन अब आप इसे क्या रीड करना शुरू करेंगे. सो कैसे करेंगे, यू नो अबाउट इट, अबाउट दैट, दैट इज 1, 10, 100, then 1000, 10000, then 100000, then million and 10 million. इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग हियर इट हैज बीन कम 9191 मीन्स 91. सो यू विल राइट अबाउट इट 91 million, 91 million. ये हमारा 91 क्या हो गया, मिलियन में लिख दिया गया. देन आफ्टर दैट यू कैन सी अबाउट दैट हियर इट हैज बीन गिवन 276, दैट इज द पीरियड ऑफ थाउजेंड, इट मीन्स 1000, 10000 and 100000, इट मीन्स दैट विल बी बेस्ड ऑन द, आप इसे क्या पढ़ेंगे आप, 276000. ओके, सो हियर वी विल राइट अबाउट दैट 176,115. भी लिख सकते हैं एंड 115 बोथ आर करेक्ट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग वी कैन इजिली राइट इट हियर. नाउ सी द डी पार्ट. इन डी पार्ट इट हैज बीन गिवन दिल्ली, इट मीन्स आपको पॉपुलेशन क्या कह रहा है, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन गिवन ऑफ दिल्ली. सो दिल्ली की आपको पॉपुलेशन दे रहा है इन न्यूमेरिक, अगर सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे दे रहा है 1, 6, 7, 8, 7, 9, 4, 1. ओके, सो नाउ फर्स्ट वी विल सर्च इट, वी विल सी दैट इज फॉलोड बाई इन दिस नंबर इट हैज बीन फॉलोड बाई इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. ओके, सो हम देख रहे हैं क्या है ये 1, 10, 100, देन कॉमा लगा, देन 1000, 10000, 10000 के बाद ही कॉमा लग गया, इट मीन्स दैट इज बेस्ड ऑन योर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. सो आपको यहाँ किसके अकॉर्डिंग लिखना है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे. सो अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10000, lakh, 10 lakh, crore. इट मीन्स 1,67,87,941. स्टूडेंट्स रिमेंबर आप प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडियन है या इंटरनेशनल है, आप कॉमा का यूज करते हैं. सो कॉमा के बेस पर आप किसी भी नंबर्स को इजी वे में ये जान सकते हैं कि उसमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉलो हो रहा है या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉलो हो रहा है. आप ए पार्ट में देख सकते हैं, थ्री डिजिट के बाद हमारे 1000 पीरियड में कॉमा लगा था, यहाँ कितने डिजिट के बाद लगाए, 2 डिजिट के बाद लगाए कॉमा यहाँ पर 1000 पीरियड में. सो इट मीन्स दैट इज बेस्ड ऑन योर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. सो हम इसे यहाँ लिखेंगे क्या, 1,67,67,8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 7,
देन आफ्टर दैट लास्ट डिजिट क्या है कि 941. सो हियर यू कैन राइट अबाउट दैट 941. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई थिंक यू कैन राइट इट हियर आल्सो 1 करोड़ देन 67 लाख देन 87,941. सो स्टूडेंट्स, now I think it is clear how can we categorize, how can we easily find out that in any question which method is followed, which system is followed, Indian place value system or international place value system. So on the basis of your comma you can easily write it in the words also. Clear students?